Krishna, Sanjit, Sanjit, idhar, Sanjit, Sanjit, idhar, 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 Prabhu, Prabhu ji, yahan par achcha dudh milta hai, achcha dudh milta hai, achcha dudh milta hai, achcha dudh, wahan pe yahan nikle gaye, yahi se lete, theek hai, Hare Krishna, Geet idhar aa jao, idhar idhar katha sunao to, yahan idhar, idhar aa jao. माइक बज रहा ना, आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही. हरि बोल, हरे कृष्णा. हाँ इधर सुन, सब भक्त लोग आ गए. हाँ इधर इधर आ जाओ, सबके सब इधर सामने आ जाओ. हरि बोल, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, रास्ता में कोई खड़े मत रहो. बसी गिरिराज महाराज की, बसी मानसी गंगा की, बसी हरि देव की, बसी चक्रेश्वर महादेव की, बसी सनातन गोस्वामी की. देखो इधर कथा सुन लो, ये स्थान का नाम है मानसी गंगा. बोले मानसी गंगा नाम क्यों पड़ा है? बोले एक समय ब्रजवासी लोग गंगा जाना चाह रहे थे स्नान करने के लिए. दशहरा आती है ना, वो दशहरा में जाना चाह रहे थे मानसी गंगा. अभी कृष्ण ने देखा, भैया देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, देखो ये लोग गंगा कौन है, वो मेरी चरणामृत है. भगवान वामन देव का चरण से ये गंगा निकली, कहती है मेरे चरणा मृत है. और जिस नंद बाबा की जूते में सर पर धारण करता हूँ, है जिस गोपियों के चरण धुली में सर पर धारण करता हूँ, अब ये ब्रजवासी कह रहे भैया गंगा स्नान करने के लिए जाए. और गंगा यहाँ से हरिद्वार तक जाओ, है जिस सुखताल तक जाओ गंगा में स्नान करने के लिए, बड़े दूर है. इसलिए कहते हैं ना, किरत सुता के पग पग ने प्रयाग जहाँ, बोले केशव के केली कुंज कोटि कोटि काश में, गोपिन के द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दास के, हैं बोले स्वर्ग अपवर्ग हम ले करे करेंगे क्या, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है. कहते वृंदावन की कण कण में ये प्रयाग है, यहाँ की कण कण में गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, पृथ्वी का ऐसे कोई तीर्थ नहीं जो ब्रज में नहीं है. सारे देवा देवी सारे तीर्थ राधा रानी की चरण के रज में, तीर्थ सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, और केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, हर गोपिनी के द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है. बोले भैया ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, मेरी चरणामृत जी नंद बाबा का चरण खुद सर पर लगाता हूँ, है और ये ब्रजवासी तेरे भाई गंगा में नहा निकली जाएंगे. बोले पिताजी कहाँ जाना चाह रहे हैं? बोले लाला हम चाह रहे गंगा में स्नान करने के लिए. बोले पिताजी गंगा तो यहीं पर है. बोले कहाँ पर? मेरे साथ में आओ ना. इतने कृष्णा अपना मन से उसने गंगा को स्मरण किया, स्मरण करते गंगा कलकल नाद करते हुए गंगा देवी यही पर साक्षात रूप में प्रकट हो गई. बोले श्री गंगा मैया की, श्री गंगा देवी की, स्वयं गंगा अपना मकर मतलब मगर मच्छी के ऊपर में स्वयं गंगा ने दुनिया प्रकट हुई. उन्होंने ब्रजवासियों को दर्शन दिया नहीं, ब्रजवासियों को उन्होंने दर्शन किया है, हैं? इसलिए सबके सब ब्रजवासी ये गंदा पानी में सबके सब स्नान किए. जब स्नान किए गिरिराज ने देखा, भैया जब ये गंगा में सब गोता लगा रहे हैं, भैया मैं क्यों बाकी रह जाऊं, भैया मैं भी गोता लगा लूं. इसलिए आप सब जगह में देखोगे जो गिरिराज गोवर्धन आपको ऊंचाई दिखाई पड़ेगा, लेकिन केवल यही पर गिरिराज गोवर्धन नीचे है. जब ये गंगा थोड़ी सी सूख जाती है ना मानसी गंगा, गिरिराज भी यहाँ स्वयं प्रकट होते हैं. क्योंकि जो गंगा स्नान से भी कहते यहाँ जो स्नान है करोड़ों गुण ज्यादा फल है. बोले क्यों? बोले जो गंगा है कौन? बोले श्री वामन देव का चरण से निकली. बोले वामन देव कौन है? बोले कृष्ण का अंश के अंश के अंश के अंश वामन देव. लेकिन ये जो गंगा कहाँ से प्रकट हुई? बोले कृष्ण के हृदय से, कृष्ण की हृदय से प्रकट हुई. और केवल इतना नहीं, राधा रानी जिसने स्नान की, गोपियां जिसने स्नान की, नंद बाबा जसोदा जिसने स्नान की, उनका सबका चरणामृत इसी में. इसलिए गंगा जाने पर आपको जो फल मिलेगा उससे करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलेगा. अगर ये मानसी गंगा में अगर कोई आचमन ले, ये मानसी गंगा में कोई स्नान करे, उससे आपको करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलेगा ये मानसी गंगा में. उस पार में श्री चक्रेश्वर महादेव है,
और श्री सनातन गोस्वामी का भजन गुटर भी उस तरफ थे। ये चक्लेश्वर महादेव क्यों हुए? मतलब जिस समय इंद्र ने सोचा ये ब्रज को मैं डुब दूंगा, कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करवा दिया, इतने में उन्हें संपर्क में 50 पवन को आदेश दिया ऐसे मुसलधारा से बारिश हो, ओले गिराओ जैसे ब्रज का सत्यानाश हो जाए। अभी ब्रज में प्रलय आ गया, ब्रज में अब प्रलय आ गया। इतने में कृष्ण को सबके सब ब्रजवासी कृष्ण शरण में गए, बोले कृष्ण तेरे बात सुनकर के हमने इंद्र पूजा कर बंद करा दिया, देखो ये क्या कर रहा है इंद्र, ये ब्रज को तो सत्यानाश कर देगा। बोले कोई चिंता मत करो, हम सबके सब गिरिराज की पूजा की है, गिरिराज हमें अपना शरण में स्नान देंगे, चलो मैं सबके सब गिरिराज के लिए में यही पर ही कृष्ण जो गिरिराज उठाया यही पर खड़े हो, इसलिए यहाँ पर हरिदेव मंदिर ही है, लगता है अभी बंद हो गया होगा, इसलिए यहीं पर ही कृष्ण खड़े होकर के श्री बाम हाथ में नहीं, हम कहते हैं ना भैया हमारा लिए कौन सा बड़ी भारी बात, हम तो उल्टा हाथ से कर सकते हैं। बोले उल्टा हाथ नहीं, बोले हम सबसे छोटे अंगुल पर कर सकते हैं। बोले छोटे अंगुल पर नहीं, कृष्ण नाक को ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को वहीं पर धारण कर लिया। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। जब यहीं पर उन्होंने धारण की, अभी श्री शंकर जी यहाँ पर, शंकर जी का मंदिर चक्लेश्वर वहां पे है, इतने बड़े शंकर जी भगवान विष्णु को प्रार्थना किया, बोले प्रभु देखो ये ब्रजवासी लोगों के ऊपर में इंद्र कितना धक कर रहा है, इनको मारने के लिए कैसे कोशिश कर, प्रभु इनको रक्षा करो। इतने में शंकर जी भगवान को प्रार्थना किया, शंकर जी चक्र को प्रार्थना की, हे सुदर्शन चक्र आप ब्रजवासी को बचाओ। इतने में कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र को भेज दिया, और ये सुदर्शन चक्र अपना करोड़ों, हाँ एक सूर्य में कितना तेज है, एक साथ में सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्य का तेज को लेकर के ऊपर में चले गए और ऊपर में घूमने लगे, और जितने बारिश आई ना, जितने बारिश सबके सब श्री सुदर्शन चक्र ने सबके सब सुखा दिया, नीचे एक बूंद उतने पानी गिरने के लिए नहीं दिया। और यही पर ही सारे ब्रजवासी गिरिराज को नीचे खड़े होकर के बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि। यही पर ही कृष्ण गिरिराज उदाहरण क्या है, यही स्थान है। आप लोग जिस मंदिर में आए हो, आप लोग को बड़े भाग्यवान है जब गिरिराज में आए। अभी आप लोग कोई दूध लिए होंगे ना, दूध यही पर श्री गिरिराज की मुखारविंद, देखो ये जो गिरिराज गोवर्धन है कौन, ये स्वयं कृष्ण है। जब हम राधा कुंड श्याम कुंड में जाएंगे ना, ये गिरिराज की तो आंख है, बोले ये क्या है, बोले ये गिरिराज का मुंह है। अगर यहाँ पर कोई चीज दोगे ना, जैसे हम खाना कहाँ खाते हैं, आंखों में ना कानों में, कहाँ देते हो, मुंह में देते हैं, तभी हमारा खाना खाना होता है। ये जो स्थान है ये गिरिराज गोवर्धन या मुखारविंद है, मतलब यहाँ पर आप जो कुछ दोगे गिरिराज जी सब कुछ ग्रहण करें, सब कुछ। इसलिए हम लोग जो दूध दही लाए होंगे ना सबके साथ लेकर के, यहीं पर गिरिराज गोवर्धन में हम वहीं पर अभिषेक करके गिरिराज की हम स्नान कराएंगे श्री गिरिराज गोवर्धन की करके, फिर हम अपना मंदिर में जाएंगे कि हमारे पंडा जी हैं, ये हमको पूजा करा देगा श्री पंडा जी। हम लोग पंडा को कुछ प्रणाम देनी चाहिए, अब जो इच्छा बड़ी बहुत उनसे देना, ठीक है, ये हमारे पंडित। चलो जो मेन स्थान है वो मुखारविंद, हम वहीं पर जा करके वहाँ पर गिरिराज को